आपका सवाल है कि एक आदमी जब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कोशिश करता है, लेकिन फिर वो कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है, उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं क्विट कर देता है, तो क्या करे कि उसको ऐसा करने का मन ना करे, गिव अप ना करे, क्विट ना करे? क्विटिंग आती है बेसब्री से। क्विट मतलब माइंड की थकावट। तो जब आदमी थक जाता है मन से, तो उसको पहचानना होगा, क्योंकि नॉर्मल थकावट, बॉडी की थकावट तो समझ में आ जाती है, आराम करेंगे फिर वापस काम करेंगे, लेकिन जो माइंड की थकावट आती है वो आती है फ्रस्ट्रेशन के रूप में। जैसा कल इनको मैंने पूछा तो इनके पास थी, कल फ्रस्ट्रेशन थी, मेरे पास भी थी। जब मैं वो गुरुजी के पास गया था जहाँ मैंने 15-20 दिन तक ध्यान किया, उसके बाद भी 6 महीने साल भर तक मैंने उनकी बातें प्रैक्टिस की, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने उन गुरुजी के एक्टिविटीज़ को छोड़ा, लेकिन जो मैं चाहता था वो मैंने नहीं छोड़ा। देखिए, हम सब के अंदर में ना एक बेसिक चीज़ अगर आपको याद रहे तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्विटिंग ख़त्म हो जाएगा। बेसिक चीज़ ये है कि ये थोड़ा मुश्किल है याद रखना, कि हम सब के अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट या तो एक ईश्वर हैं, और वही हम लोगों को प्रोवोक करते हैं, अंदर से धक्का मारते हैं कुछ करने के लिए। आलसी से आलसी आदमी को भी अंदर का भगवान धक्का मारता है, कुछ करो। इसीलिए हमारे मन में एक उदासी आती भी है। इसको समझिए, एक जानवर होता है, वो खाता पीता है और आराम करता है, एक इंसान नहीं कर पाता। उसको आराम करने के लिए इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होना होगा कि वो शराब पिए, ड्रग्स ले। अगर कोई इंसान होश में है तो उसको दुख होगा, उसको फ्रस्ट्रेशन होगा अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो। अपने आप में दुख और डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, ये साइन है कि आपके अंदर में एक ऐसी कोई फोर्स है जो आपको धक्का मार रही है, जो आपको कह रही है अरे यार तुम तो फेल हो रहे हो, तुम तो फेल हो रहे हो, तुम तो फेल हो रहे हो, तुम तो फेल हो रहे हो। ये आवाज़ इसीलिए आ रही है क्योंकि पीछे कोई है जो आपको धक्का मार रहा है। अगर वो नहीं मारा होता तो आप बोलते भाड़ में जाए, फेल हो रहा तो फेल हो रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने कल इनसे एक चीज़ कही थी, मैं अभी उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा। नॉर्मल आदमी जहाँ पर मुश्किलें देखता है वहाँ पर बहुत विरले लोग होते हैं जो मौका देखते हैं। जब आप किसी मुश्किल में फंसे, हर एक मुश्किल में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई मौका है। जो आदमी उसको देख लेता है वो फिर अपना जी जान लगाता है ये सोच करके कि चलो जो मिला होगा मिलेगा। मन में ना जैसे लिफ्ट होता है, लिफ्ट आप उसमें घुसे, ऊपर जाती है लिफ्ट, नीचे आती है। अगर आप ये देखेंगे अपने अंदर तो आपको दिखेगा कि मन लिफ्ट की तरह ऊपर जाता है और कभी कभी नीचे आता है, वो अपने आप ऊपर नीचे आता जाता है। हम कभी कभी हाई फील करते हैं, कभी कभी लो फील करते हैं। जिस आदमी को ये याद रह सके कि हाँ मैं अभी लो फील कर रहा हूँ, नेगेटिव फील कर रहा हूँ, और अभी कुछ देर बाद ये वापस ऊपर आ जाएगा, यहाँ लो से ऊपर आ जाएगा, जो इस बात को कनेक्ट कर सके, फिर वो फंसता नहीं है, नेगेटिविटी में फंसता नहीं है। जैसे गरिमा है, हमारी बिटिया है, वो इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाती, बहुत से लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। जब वो दुखी होते हैं तो ये मानते हैं कि जो दुख वाले विचार हैं वो सच हैं। एक आदमी जो ये जानता है कि मैं कभी लो होता हूँ, कभी हाई होता हूँ, वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं यूज़ करता है अपने आप को हाई करने के लिए। जो लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, आज मैंने पूछा इनसे, बल्कि मैंने समझाया, ऐसी थोड़ी सी सेंटेंस कही उनसे, शोभित से मुझे खुशबू आ रही थी उनके गुटके की, मैंने कहा बेटा गुटके से कैंसर होता है, तो बोलते हाँ सर, हाँ सर, सॉरी नहीं खाएंगे सर। मैंने कहा च्युइंगम खा लिया करो,
तो जैसे चिंगम बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, गुटके कम में कम खर्चा होता है गुटके में। कहा ठीक है, हम अपने माइंड को हाई करने के लिए गुटखा खाते हैं क्योंकि मन लो होता है। लेकिन जिस आदमी को ये मालूम पड़ जाता है कि मन का नेचर है ऊपर नीचे हवा की तरह, जब हवा आती है तो कभी कम आती है, फिर कभी ज़्यादा आती है, फिर रुक जाती है, फिर आती है, ऐसे ही मन का नेचर है कभी नीचे कभी ऊपर जाना। जिसको ये समझ में आ जाता है वो जब लो होता है तो इंतज़ार करता है, जब हाई होता है तो काम करता है। हम ही में से जो लोग अपने माइंड के हिसाब से काम कर पाते हैं, मतलब अपने माइंड को राइड कर पाते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, फिर वो अपने मन को हाई को यूज़ करके समझने की कोशिश करता है। अब वो कौन सा दिन था, किस वजह से ये यहाँ पर आए और आपसे कहने लगे कि यार तुम भी चलो क्लास में बैठो, आप कह सकते थे नहीं यार हम तो थक जाते हैं दिन भर, हम सोएंगे। शायद आपने कहा भी हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आया कि ये माइंड इतना नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसको समझने के लिए मेहनत करना होगा। तो जो आदमी अपने मन को समझने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है, फिर वो धीमे धीमे एक तरह से मन का ड्राइवर हो जाता है, उसको क्लच गियर ये सब मालूम पड़ जाता है। मैं जब सुबह उठता हूँ, जब खाना खा लेता हूँ ख़ास तौर से, तब मेरा दिमाग रुक जाता है। जिस हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, किसी को कुछ समझाना चाहता हूँ, वो वाला काम नहीं कर पाता। मैं वॉक कर सकता हूँ, मैं बैंक का काम कर सकता हूँ, मैं किसी क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, लेकिन जो दिमागी काम है वो नहीं कर सकता हूँ। तो दिमाग के अलग अलग पुर्जे हैं और उन पुर्जों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये उसी को मालूम पड़ता है जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है। हर एक विचार के ऊपर आपको पहचानना होगा कि ये विचार सही बोल रहा है कि ये दुखी वाला विचार है। जैसे मैंने देखा है गरिमा कि मन में हमेशा कंप्लेंस रहते हैं। आपने भी कल मुझसे कहा कि सर हम जब यहाँ आए थे तो हम सोचे थे गुरुजी का एक आश्रम होगा और वहाँ पर ध्यान कराया जाएगा, लेकिन वैसा निकला नहीं। तो इनका भी मन बोला होगा यार यहाँ तो घर में फंस गया के। तो ये जो मन में थॉट आता है उसको आपको पूछना पड़ेगा कि ये थॉट दुख वाला थॉट है कि सच वाला थॉट है। सारे विचार एक जैसे नहीं होते। जब आप क्विट करते हैं उसमें भी दो तरीका का क्विटिंग है। एक है इंटेलिजेंट क्विटिंग, आपको दिखता है ये मूर्खता है छोड़ो इसको। जैसे मैं इस समय अपना वेबसाइट बनवा रहा हूँ, उस पर काम भी चला रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल वेबसाइट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं नागपुर गया, नागपुर से वापस आया, उसको छोड़ा मैंने, एक तरह से क्विट किया, तो वो इंटेलिजेंट क्विटिंग है। लेकिन जब दुख से आप कोई चीज़ छोड़ते हैं तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। उस समय कहते हैं जब आप दुखी हैं तो डिसीजन मत लीजिए। वही आदमी क्विट करता है जो आदमी दुखी होता है और अपने दुख की बात को मानता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सच है। एक बॉडी है, एक मन है और इसका मालिक है आत्मा, लेकिन जिस तरफ होगा ये मन वही मालिक है। अगर ये मन शरीर की तरफ काम करेगा तो ये मालिक है। शरीर की तरफ मतलब खाने की तरफ, सोने की तरफ, मज़े की तरफ, सेक्स की तरफ। अगर ये आप देते हैं अपनी बॉडी को तो फिर वो बॉडी मालिक है। अगर इस मन को आप लगाते हैं आत्मा को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, तो फिर भगवान मालिक हो जाता है। इसमें बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। जब भी आप बहुत लो हैं तो उस समय शांत रहें। वैसे भी हम लोग शांत हो जाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं तो चुप ही हो जाते हैं। चुप इसलिए होते हैं ताकि मन में ऑब्जर्वेशन हो, डिसीजन न लें उस समय। ये जो पड़ोस वाला है वो उसी समय डिसीजन लेता है, गुस्सा आता है तो डिसीजन ले लेता है, चिल्लाता है, और जब खुश होता है तो एक्शन नहीं लेता। मैं उल्टा करता हूँ, जब मैं लो होता हूँ तो मैं कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ। कोई मुझसे पूछता भी है कि तुम क्या सोच रहे हो, नहीं बताता हूँ। कोई ये कहेगा कि बताओ ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं मालूम, अभी नहीं बताऊँगा। मन कह रहा है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं इसको।
मन कहेगा तुम्हारी वजह से, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। आज बहुत दिनों बाद मैंने अकेले नाश्ता किया, मैंने और वैभव ने। नॉर्मली मैडम साथ में नाश्ता कराती हैं, आज हम अकेले थे। तो मैंने खाया दलिया, फल और डेढ़ पराठा। आधा पराठा एक्स्ट्रा खाया मैंने, वो नहीं खाना चाहिए था। वो मैंने ये सोचकर खा लिया कि मैडम आएंगी, पूछेंगी कि कितना खाए हो तो बोलना पड़ेगा, तो मैंने एक्स्ट्रा खा लिया आधा। स्वाद भी रहा होगा, उसे भी खाया, फिर पेट भर गया, ठूस गया। दोपहर के बाद जब मैं पहुंचा मैडम के पास, तो मैंने कहा मैडम आज आप तो थी नहीं मुझे धक्का मारने के लिए कि कितना खाओ नहीं खाओ, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा खाया। ये ब्लेम नहीं था। एक आदमी जिसको क्विट नहीं करना, अगर वो पहचान ले कौन सी चीज़ ब्लेम है कौन सी चीज़ ब्लेम नहीं है, वो हमेशा के लिए अपने रास्ते पे चलेगा। ब्लेम पहचानो। क्विट करने वाला दूसरे को ब्लेम करता है, यार उसकी वजह से हो गया ज़िंदगी बेकार। जो आदमी कह ले नहीं है ठीक है, 100 लोग कारण हैं, लेकिन यार काम तो मैंने, काम तो मुझे करना है ना। जब तक मेरे मन में था ये चीज़ कि मेरे पिताजी की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं खोल पा रहा हूँ, तब तक मैंने कुछ एक्शन लिया ही नहीं। और जैसे ही मेरे मन में आ गया कि यार मुझे कुछ करना है, तो मैंने जाकर के स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में पढ़ाता था स्कूल में, और सुबह सुबह 1 घंटे पढ़ाता था, और बाकी टाइम जाके चंद्र में नौकरी करता था। तो अपने अंदर पहचानो कौन सी चीज़ है जो ब्लेम है। जहाँ कहीं ब्लेम आए उसको रोक दो, मत दो, हमेशा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। ब्लेम बंद, क्विटिंग बंद। देखिए हमारे मन का नेचर है कि वो लो होगा हाई होगा, लेकिन हम मन नहीं हैं, हम इस मन में बंधे हैं। हम कोई ऐसी चीज़ हैं जो मन के साथ हैं लेकिन मन नहीं है। जैसे इस कमरे में सामान है, लेकिन फिर भी ये कमरा सामान नहीं है, ये कमरा तो खाली जगह है। इस कमरे में धुआं भर दो पूरा, फिर भी वो खाली जगह भरती नहीं है। अंधेरा कर दो तब भी वो खाली जगह भरती नहीं है। हम कोई ऐसी चीज़ हैं जो मन के साथ हैं लेकिन मन नहीं है। लेकिन फिलहाल हमको ये भ्रम है कि हम मन हैं। सारा आध्यात्म यही है कि पूछो अपने आप से, जो इंसान रात को सो करके पूरी तरह से गायब रहता है और फिर शरीर में आ जाता है, वो जो गायब इंसान है वो तुम्हारा कौन सा रूप है ये जानो। उसी का एक रूप, सुषुप्ति बोलते हैं जब आप नींद में होते हैं, उसी का एक रूप है तुरिया, समाधि, जिसमें आप शरीर नहीं रहते। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हर एक इंसान को दो रूप हर रोज़ जीने को मिलते हैं, एक शरीर का रूप और एक नींद का रूप। कल 24 घंटे से ज़्यादा हो गया अग्रिमा को, सोई नहीं थी, नींद ही नहीं आई उसको रात भर। परसों रात को नींद नहीं आई, फिर कल दिन भर जगी। मैंने यहाँ पर उसको दवाई दी थी सोने के लिए, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। रात को ऊपर गए थे तो ऐसे बात करी थी, बड़े पापा मेरा मुंह उसकी लड़खड़ा रहा था। अगर आप सोते नहीं हैं 24 घंटे में एक बार, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। आदमी 2 दिन तक अगर जगा रहे तो उसको आवाज़ें सुनाई देंगी। 11 दिन तक कोई आदमी बिना खाए तो जी सकता है, लेकिन सोए बिना नहीं जी सकता, मर जाएगा वो। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके एक ऐसे एलिमेंट के पास पहुंचते हैं जो ज़्यादा ज़िंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इस शरीर को ठीक करता है रात को, फिर दिन में आप काम करते हैं। तो सुषुप्ति वाली स्टेट में आप कौन सा हैं, क्या हैं उसमें, उसी को जानना है आध्यात्म। पेट खाना खाता है, दिल धड़कता है, हाथ चलता फिरता है, ऐसे ही मन भी दौड़ता फिरता रहता है, लेकिन ये सब हम हैं नहीं, ये सब केवल हम आभास करते हैं, महसूस करते हैं, हम कुछ और हैं। नींद में भी 2 रूप हैं हमारे, एक स्वप्न का रूप जिसमें कि आप सपने की दुनिया में कुछ एक्सपीरियंस करते हो, और एक प्योर सुषुप्ति अद्वैत, जिसमें आप 2 हैं ही नहीं, ना 1 है ना 2 है। वो सबसे प्योर रूप है नींद का, अंधेरा काला भी नहीं है वो, उसका रूप नहीं है कोई। वो ही आपको साधुजन कहते हैं कि वैसा ही कुछ होता है तुम्हारी आत्मा,
जिसको आपको 24 घंटे जीना है। तो आपने एकदम सही कहा, मन ऊपर नीचे होता है, लेकिन इस मन के ऊपर नीचे को आप राइड कर सकते हैं। एक आदमी जिसको तैरना नहीं आता, वो बाढ़ में या बहुत गहरे पानी में डूब जाता है, लेकिन जिसको तैरना आता है वो तैर जाता है। जो और समझदार है नाव बना के तैर जाता है। तो आपको इस मन के उतार चढ़ाव के अंदर डूब के नहीं चलना है, उसके ऊपर चलना है। इसलिए मैंने कहा जब आप दुखी हो तो दुख को ख़त्म नहीं कर पाओगे, कम से कम शांत रहकर उसको उस वेव को, उस लहर को जी लो। मानो पड़ा 2 घंटे के लिए दुख है, 2 घंटे के लिए अपना जी लो उसको बिना कुछ बोले। और जो आदमी अपने दुख को बाहर एक्सप्रेस करता है, किसी को गाली देता है या किसी को बताता है, या अपना दुख ब्लेम कर देता है किसी को, तो वो डूब गया उस दुख में। वो उस दुख को ज़िंदगी भर याद रखता है कि अरे इसी आदमी की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। और ऐसे बहुत से लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, जो उस दुख में डूबे रहते हैं ज़िंदगी भर। लोग नशा करते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। जो आदमी दुख के इमोशन के वेव को राइड करता है वो जानता है मेरा मन कह रहा है तुम्हारी वजह से, लेकिन सच कुछ और भी हो सकता है। एक बहुत प्यारी फिल्म है, आप कभी मौका मिला तो आप सबको दिखाऊंगा मैं, ब्यूटीफुल माइंड। वो एक सच्चे आदमी के ऊपर आधारित है। उस आदमी का नाम था जॉन नैश, गणित का प्रोफेसर था वो। उसको आवाज़ें सुनाई देती थी और लोग दिखाई देते थे। एक्चुअली जैसे तुम लोग खड़े हो ऐसे ही उसको दिखता था, एक आदमी बैठा है यहाँ पर, लेकिन वो होता नहीं था। और वो आदमी उसको कहता था कि चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें गवर्नमेंट की बहुत सीक्रेट मिशन के बारे में बताता हूँ मैं, और ले जाता था अपने साथ। उसको बोलता था ये वाला हिसाब किताब लगाओ कॉपी में, ये गणित लगाओ, ये करो वो करो, और पूरी कॉपी भर भर के उससे पोस्ट कराता था। इसको मेडिकल में कहते हैं हेलुसिनेशन, कि आपका दिमाग जो सपना देखता है ऐसे जीते जी सपना देखता है, इसको पागलपन कहते हैं। और वो अपना कॉपी भर भर के पोस्ट किया करता था उस एड्रेस पे जिस पे उसका आदमी, वो झूठा आदमी था, वो था भी नहीं, उसको बोलता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपनी बेटी को घर में छोड़ा कि तुम उसकी देखभाल करना, मैं जा रही हूँ किसी काम से। वो अपना बेटी उसके नहा रही थी, छोटी बच्ची थी 1 साल की, पानी में टब में नहला रहा था उसको। तब तक से वो आदमी आ गया, झूठा आदमी। तो बोलता तुम यहाँ क्या काम कर रहे हो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम उसको छोड़ो, वो दूसरा वाला देख लेगा, तुम चलो मेरे साथ। उस 1 साल की बच्ची को उसी टब में छोड़कर वो चला गया बाहर। वो बेचारी मरते मरते बची, ऐन मौके पर डूबते डूबते उसकी माँ आ गई थी, उसको बचा लिया। बोलती तुम कहाँ थे? बोलता वो मुझे लेकर गया था। बोलती तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वो अपना बुरिया बिस्तर बांध कर जा रही थी। फिर इसने दिमाग दौड़ाया, कैसे पता चलेगा कि वो झूठ है? बोलता हाँ, 10 साल से मैं उस आदमी को देख रहा हूँ, उसका कपड़ा वैसे ही रहता है हमेशा, कभी कपड़ा बदलता नहीं है, उसके बाल वैसे रहते हैं, कभी उसका बाल बढ़ा नहीं, उसकी शक्ल वैसी रहती है। तब उसने अंदाज़ा लगाया कि वो झूठ है। उसके बाद से उसने वो आदमी दिखता था लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो आपके इमोशन आपको दिखेंगे, चीखेंगे भूत की तरह, लेकिन आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। एक योगी में और एक भोगी में डिफरेंस यही है। भोगी जब भोग की चीज़ को देखता है तो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, अरे हाँ मुझे चाहिए और चाहिए। एक योगी बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें चाहिए पेट, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कितना खाने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे नींद आ जाती है। इसलिए कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं लाभ हानि में जो बराबर हो, दोस्त और दुश्मन में जो बराबर हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बराबर देखना है, तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तुमने इमोशन के मालिक बनो, उसके नौकर नहीं। तो इमोशन तो आएगा बेटा, इमोशन का वेव है, लेकिन जैसे जैसे आप इमोशन के मालिक बनेंगे, राइड करेंगे, वैसे वैसे इमोशन एक छोटी सी चीज़ होगी जो शरीर में चलती रहेगी। बचपन में जो खिलौने आपको पागल कर देते होंगे, देखा है बहुत बार मार्केट जाते थे, मैं बहुत बार ताज्जुब करता हूँ कि बचपन में खिलौने की दुकान में जाते थे, लगता था ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। अब नहीं करता, क्यों नहीं करता?
क्योंकि वो खिलौनों का जो इमोशन था हमारा वो खत्म हो गया। हर खिलौने के लिए हमारे अंदर इमोशन था, अब वो इमोशन कहीं और है। श्रीश के मन में होगा अपने मोबाइल के लिए होगा, इनके लिए लैपटॉप के लिए होगा, या कोई बड़ा फिल्म मेकर आ जाए, फिल्म एक्टर आ जाए उसके लिए होगा, आपके लिए हो सकता है रमण महर्षि के लिए हो। मैं आपको बोलूँ चलो रमण आश्रम चलते हैं तो आप बोलेंगे यार बड़ी खुशी खुशी चलो चलो सर बड़ो। मैं बोलूँ चलो दिल्ली घूम विधानसभा घूम के आते हैं, बोलेंगे वहाँ विधानसभा हम क्या करेंगे। अब इमोशन बदल गया किसी चीज़ के लिए। तो एक समझदार आदमी देखता है कि अच्छा है ये अपने आप में वो चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, मेरी इमोशन उसके लिए बोल रही है, चीख रही है। और जो आदमी देख लेता है उसको फिर रिस्पॉन्ड कम करता है, तो ठीक है करेंगे लेकिन बाद में जब इमोशन ठंडा हो जाए तब। अभी आज ही मेरी बातचीत होती थी लड़कों से, गरिमा के लिए लड़कों वालों से बात होती रहती है, 2 मिनट के अंदर ही मालूम पड़ता है वो आदमी घमंडी है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बहुत शरीफ है, वो आदमी बहुत इन्फीरियर है, मतलब अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में महसूस कर रहा है। आप दूसरों को देखें लेकिन अंदर अपने अंदर के विचारों को और इमोशंस को देखें। और ये बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, जैसे साइकिल चलाना आपने सीख लिया ऐसे ही अपने अंदर के इमोशंस को चलाना, उसको राइड करना, उसमें डूबना नहीं, आप सीख लेंगे, आराम से सीख लेंगे। बस पता रहे कि हाँ मैं इमोशन में चला गया हूँ, बच जाएंगे आप।